everyone. I'm Priya, manager of MSTC Jalandhar Center. कल मैंने आपको लाइव हमारे जो प्रो ब्राइडल की 3 डेज की क्लासेस चल रही थी उसका आपको क्लास में से दिखाया था कि कैसे मैम आपको डिफरेंट टाइप ऑफ आई मेकअप्स और बेस हर एक चीज़ की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. कल हमारा डे ब्राइड का डेमो था, आज हमारा सेकेंड डे इवनिंग ब्राइड का डेमो चल रहा है क्लास में. इसमें मैम आपको प्रॉपर वे से अभी आई मेकअप का ही मैम डेमो दे रहे हैं, मैं आपको क्लास में लेके चलती हूँ. और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहती हूँ कि ये हमारा जो 3 डेज का स्पेशल कोर्स होता है इसमें आपको प्रॉपर ये एक प्रॉपर 100% क्लास होती है प्रैक्टिकल. इसमें आपने घर से कुछ नहीं लेके आना होता है, सिर्फ अपनी एक ब्रश किट लेके आनी होती है क्लास के लिए और सारा का सारा प्रोडक्ट मेकअप स्टूडियो का ही आपको क्लास में से ही प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, अभी मैं आपको क्लास में लेके चलती हूँ जिसमें मैम आपको लाइव मेकअप्स प्रॉपर दिखाएंगे, हर एक चीज़ का प्रॉपर डेमो. इसके ऊपर कोई भी कलर लगा सकते हैं ना, गोल्ड के अलावा कट क्रीज गोल्ड में ज्यादा सुंदर लगता है. जनरली जो नाइट टाइम का होता है उसमें पीछे बैक साइड तो ब्लैक या ब्राउन देते हैं, वो इंटेंसिफाई करने के लिए सिर्फ मुझे मैं बताऊंगी अभी वहाँ पे करते हैं रात के टाइम पे. ये करना ना रात के टाइम पे या डे के टाइम पे अच्छा नहीं लगता. एक बार गोल्ड लग गया, अब हम सेम ब्लेंडिंग ब्रश करके ब्लैक यूज करेंगे. तो अगर देखा जाए हमने सिर्फ 2 ब्रश यूज किए, एक ये वाला और एक ये वाला आईज के लिए और हाइलाइटिंग के लिए ये छोटा वाला, तो सिर्फ 3 ब्रश यूज हुए अभी तक. ठीक है, और क्योंकि नेचुरल ब्रश है इसीलिए हम ऐसे टॉवल पे झाड़ देंगे तो ये साफ हो जाएगा. और ब्लैक लिया है ब्लेंडिंग ब्रश में, अब ये जो लाइन है सिर्फ इतना पोर्शन हम इसको थोड़ा और डार्क और ब्रश को थोड़ा ऊपर से पकड़ेंगे ताकि नीचे का गोल ना खराब हो. ठीक है, अब मैंने लगा दिया है, अब मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी. इसमें डेप्थ थोड़ी ज्यादा हो गई है, थोड़ा नाइट टाइम के लिए और अच्छा लग रहा है. नाइट टाइम के लिए
ट्रांजिशन का रंग उतना नहीं दिख रहा है, दिखने की जरूरत नहीं होती उसको, सो बेस बट स्टिल आप देख सकते हो कि हमने आईज में पिंक लगाया है, गोल्ड लगाया है, ब्लैक लगाया है, ब्राउन इतना नहीं दिख रहा क्योंकि हमने ब्लैक लगा दिया, पर हमारा एक बेस तैयार हो गया था ब्राउन से, तो ये स्टेप्स करने बहुत जरूरी होते हैं। एंड का टचअप हम लोग बाद में देंगे, अभी हम टूवे जेल से ग्लिटर लगाएंगे। हम पिंक ग्लिटर भी लगा सकते हैं, बट अगर आपको पिंक ग्लिटर लगाना है तो आप ट्रांजिशन में पिंक नहीं करोगे, यहाँ पर हमने पिंक किया वो फिर आप नहीं करोगे अगर आपने यहाँ पर पिंक लगाना है, क्योंकि हमने उसके लहंगे में गोल्ड है, ग्रीन है, पिंक है, हम इतने कलर्स तो नहीं लगा सकते, इसीलिए हम एक चीज़ करेंगे गोल्ड। तो अगर हमने वहाँ पर पिंक करना तो ऊपर क्या करेंगे? ऊपर फिर आप ये छोड़ देंगे, ब्राउन छोड़ दो या ब्लू कर लो, ब्लू कर लो या ग्रीन कर लो जो लहंगे में है, ठीक है, उसके साथ मैच करो। ये दो कलर है, इसका नाम है मैलिबू गोल्ड, ठीक है, और गोल्डन सनशाइन। कोई मैम कलर नहीं, ये जूल इफेक्ट होने नहीं, ये ग्लिमर है, ग्लिमर हम लोग ग्लिटर को मेकअप स्टूडियो में ग्लिमर बोलते हैं, होता ही ग्लिटर ही है। तो अब आपको बस देखना है, आपके पास ये नहीं है तो आप कोई और कंपनी का ग्लिटर यूज कर सकते हो, योर विश। बट दिस इज नॉट दैट नो पाउडर वाला जो कल वाला था जो नो, दिस इज उससे मोटा, उससे मोटा है ये, इसलिए हम मतलब लूज लगा रहे हैं, तो वो गिर जाएगा। कोई भी सिंथेटिक ब्रश ले लो और उससे लगाना, ग्लू उससे लगानी है, पर जो ग्लिटर है वो किसी नेचुरल ब्रश, क्योंकि है पाउडर और हमने सारे नेचुरल ब्रशेस से पाउडर लगाने हैं। सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको क्लास में से मिलते हैं इसके कोर्स के अंदर। ये देखो, ये कलर बढ़ गया, ये सभी के सभी फाउंडेशंस हैं, बेसिस हैं, आई शेड्स, देन जिससे हमने आई प्राइम की थी मैंने उसी से लगा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई हमें बंद रखना है। पहले मैं हाफ बंद रखना, हाफ आई से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ये जल्दी सूख जाता है, इसीलिए पहले हाफ आँख कर रही हूँ। ये इसको लेना झाड़ना नहीं है, हम बस प्लेस कर दो। जो ऊपर नीचे का टचअप है वो बाद में कर सकते हैं, पहले अगर आपकी जेल सूख जाएगी फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जितना ग्लू लगा था उतने में चिपक गया, उसके आगे अगर मैं लगाने की कोशिश करूंगी चिपकेगा नहीं।
आईज पे भी लाइक यू नो उसमें भी मिक्स नहीं नहीं सिर्फ आईज पे वो उसमें डल नहीं रहा था इसलिए मैंने उसको भी हटा दिया उसमें हमने मिक्स नहीं किया नहीं नहीं वो सीधे लगा रहे हैं हैंड में अच्छे से निकलता है ना वो डायरेक्टली मत यूज करना आपका टू वे जेल गंदा हो जाएगा क्योंकि हम गोल्ड के ऊपर यूज कर रहे हैं फिर हम उसी को अंदर डालेंगे ट्यूब के तो गंदा हो जाएगा अगर मैं नीचे कोई और कलर लगाया हो तो फिर कौन सा उसी कलर का ग्लिटर लगा दूँ उसी कलर का लगा दूँ जो आपके आउटफिट में है उस हिसाब से देखो ग्लिटर भी बाहर की तरफ फेंक रहा हूँ थोड़ा सा बट देखो मैं पूरा इतना बड़ा अगर ब्लॉक है तो मैं इतना बड़ा ग्लिटर नहीं लेके आया मैं सिर्फ इतना सा ग्लिटर लेके आई हूँ क्योंकि वहाँ पर लाइनर आ जाएगा ठीक है तो ग्लिटर हम लोग क्यों वेस्ट करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अब तक की आज की क्लास के बाद कल हमारा फाइनल लुक होगा कल होगा हमारा रिसेप्शन मेकअप का लुक और उसके अलावा कल हमारी वीडियो एड शूट भी है मैं आपके साथ कल भी लाइव पे होंगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जितने भी हमारे फेसबुक के व्यूवर्स हैं उनको सबको मैं थैंक्स करना चाहती हूँ थैंक यू सो मच